गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल पूजा लाइफ स्टाइल एंड ब्यूटी। मैं हूँ पूजा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और ये देखो मेरे घर क्या हो रहा है, लैपटॉप में मूवी देखी जा रही है आराम से। और बहुत ठंडी हो रही है, शाम का टाइम है तो बस मैं ऐसे बैठी थी। हम लोग गए थे मंदिर, ये देखिए पता चल रहा होगा ना टीका उका देख के कि मंदिर गए थे। तो बस ऐसे बैठी हूँ, मंदिर से आऊँ, बाबू मेरा सो रहा है, दिखाती हूँ आपको एक मिनट। ये गन्नू सो रहे हैं। घर बना है क्या, दिखाती हूँ आपको एक मिनट, रुक के किचन में पहले पहुँचूँ तो बना है मेरे घर, ये देखिए। अभी झाग नहीं आया ना, झाग वाली कॉफ़ी आपको बताऊँगी मैं कि एक मिनट में कैसे बनाए। एक मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड लगते हैं खाली। और ये देखिए पोहा, पोहा और कॉफ़ी, इंजॉय करेंगे हम इवनिंग का नाश्ता। उसके बाद बनेगा डिनर, डिनर में बनेगी दाल और बस ये सब चल रहा है। मैं आपको बताऊंगी, अगर आप चाहते हो ना कुछ सेकंड में, मुश्किल से 10 सेकंड लगते होंगे आपको झाग वाली कॉफ़ी बनाने में। अगर आप जानना चाहते हो मैं कैसे बनाती हूँ ना, तो कमेंट करके बताना, बताऊंगी ज़रूर आपको। तो बस ये सब हो रहा है, तो चलिए इन्जॉय करते हैं वीडियो को। और हाँ, वीडियो को ही नहीं, आप लोग वीडियो इन्जॉय करो, हम कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं। अगर आपको भी करना है तो आ जाओ। तो अभी दिखाते हैं आपको झाग वाली कॉफ़ी बनके तैयार है। तो ये देखिए 3 कप कॉफी, पोहा। तो चलिए इंजॉय करते हैं कॉफ़ी और पोहा। नहीं आएगा, हाथ में ले लो, आ जाओ। चलो उठ जाओ बाबू। ये रहा पोहा और ये रही कॉफ़ी। तो आ जाइए आप लोग भी और फिर मिलते हूँ आपसे कॉफ़ी पी के। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा काम था, कुछ सामान लाने जाना था, तो उसको लेने के लिए हम लोग निकले हैं। कुछ ज़्यादा सामान नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है। एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए हम देखिए कितनी दूर और कितना, मतलब कितनी दूर और कितनी भीड़ भाड़ में गए हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी था हमारे लिए लाना। और वो चीज़ क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे बस वही सामान लाना था, तो मैं अपने स्वामी जी के साथ जा रही हूँ। तो ये देखिए हमारे लखनऊ का जो है, इसे बोलते हैं पक्का पुल, और जो कि चौक के पहले पड़ता है। तो बस अभी हम वहाँ पे पहुँचे हैं और देखिए हमारे नवाबों की नगरी लखनऊ।
तो बस अभी हम पहुंचने वाले हैं चौक में, ये देखिए। तो और भाई कौन कौन लखनऊ से हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए हमारे लखनऊ नवाबों के शहर का भूल भुलैया इमाम बाड़ा, ये आप देख सकते हैं। तो अभी बस हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पे। तो बस ये देखिए जा रहे हैं हम लोग, और बस अभी फटाफट से पहुंच जाएंगे। और बस यही एक छोटा सा सामान लाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ता क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो बस वही लेने के लिए हम निकले हैं कि भाई चलो ले आते हैं, ज़रूरी है और ज़रूरी तो है ही भाई, सामान लेना है तो ज़रूरी है, तो बस वही लेने के लिए हम जा रहे हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ क्या लेना है मुझे। ये देखिए मार्केट हो गई है शुरू और अभी हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल पे। तो अभी ना हमें लेना है कुछ सामान, और ये देखिए हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं ना, उधर से भीड़ भाड़ ज़्यादा था तो शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, फटाक से पहुंच जाएंगे। तो ये शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं और आपको बैकग्राउंड में ना काफ़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो इग्नोर करिएगा उसको। और बस ये देखिए अब हम पहुंचने वाले अपने मंजिल पे। ये देखिए हम पहुंच गए अपने लखनऊ की लोकल मार्केट नखास में, और हमें वहाँ से लेना था एक अपनी किशोरी के लिए पिंजड़ा। अब आप कहेंगे ये किशोरी कौन है, तो किशोरी है हमारे यहाँ बड़ा प्यारा सा क्यूट सा एक खरगोश है रैबिट, जिसका नाम मैंने किशोरी रखा है। तो बस किशोरी के लिए हम लेने जा रहे हैं पिंजड़ा, तो उसी पिंजड़े को लाने के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा क्योंकि आसपास में मुझे बड़ा पिंजड़ा मिला नहीं और उसके लिए काफ़ी बड़ा चाहिए मुझे। तो पिंजड़ा लेने के लिए हम आ गए नखास में, और देख रहे हैं आप ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बस वहाँ पर मैंने बस फटाक से पिंजड़ा ख़रीदा और फटाक से निकल आए, रुके नहीं ज़्यादा और कुछ नहीं लिया, बस गए बस पिंजड़ा लिया और तुरंत चले आए। तो ये पिंजड़ा लेने के लिए हम आए हैं, देख सकते हैं आप नखास की लोकल मार्केट, और काफ़ी बजट में यहाँ पे सामान मिल जाता है, अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है। आप कुछ भी लेना चाहते हैं परचेज़ करना चाहते हैं ना, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको डेली वियर के अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं। तो ये देखिए मार्केट लगी हुई है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो यहाँ तो ना बिल्कुल आने जाने की जगह नहीं रहती, इतनी भीड़ रहती है। तो बस अभी हम पहुँच रहे हैं अपनी मंजिल पे और हमें लेना है एक पिंजड़ा, ले लेंगे एक पिंजड़ा और फटाक से निकल चलेंगे। ये देखिए मार्केट, और ना ये ऊपर ब्रिज बन रहा है तो इस वजह से ना थोड़ा ये आप देख सकते हैं रोड खुदी खुदी है, थोड़ा ऐसा है, नहीं तो बहुत क्लीन क्लीन सा रहता था ये। तो ये देखिए हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर और हमने यहाँ से ये वाला पिंजड़ा लिया है जिसको मैं दिखा रही हूँ, ये वाला पिंजड़ा लिया है मैंने अपनी किशोरी के लिए। और यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे चिड़िया थे, अरे यार देख कितना मन कर रहा था कि ले ले उनको यार, लेकिन लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये देखो मैं इसको लेने के लिए सोच रही थी, छोटे छोटे बर्ड्स हैं इनको लेने के लिए मैं सोच रही थी, बट ना यार केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, केयर नहीं हो पाएगी ना किशोरी के, उसी की केयर करने के पीछे हम लोग परेशान रहते हैं। तो ये देखिए इनसे बहुत प्यारे लग रहे थे ना, मन कर रहा था मैं सारे ले चलूँ अपने घर पर, इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो यार किसका मन नहीं करता यार ऐसे देख के कि ना लूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा था, बट क्या करूँ। फिर बस मैंने पिंजड़ा ले लिया और ललचा ललचा के रह गई कि यार किसी कोई जान नहीं है भाई, इनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है और अच्छे से केयर करनी पड़ती है इनकी ना, बहुत छोटे छोटे हैं अभी ये। तो बस फिर पिंजड़ा लेके चले आए हम घर पे अपने। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।